नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत है ई एकेडमी 123 पर। जैसा कि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि स्कोर को लेकर उनकी एक्सपेक्टेड रैंक के बारे में हम कुछ बात करें, तो वो चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि अगर आपके कितने मार्क्स आते हैं उसके कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर के अनुभव को देखते हुए, जेएन के अनुभव को देखते हुए कि उन्होंने कितनी परसेंटाइल निकाली थी। तो परसेंटाइल की बात अपन इसमें नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे कि जो शॉर्टलिस्ट होते हैं रैंक उनकी कितनी आती है और उनके मार्क्स कितने रहे थे। तो इसका जो एक एक्सपेक्टेड रिलेशन है उसके बारे में इस पूरे वीडियो में अपन बात करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ IAS के लिए। तो अगर आपका टारगेट है कि आफ्टर 4 ईयर यानी आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप IAS के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो प्रिपरेशन के लिए लेट नहीं होना है। आप अपने ग्रेजुएशन यानी जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी उसके पैरेलल आपको इसकी स्टडी करनी है। तो आपको मान लो कि इकोनॉमी की आवश्यकता पड़ती है, ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अन अकेडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो इस यहाँ जाकर, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ जाकर मुझे मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, मेरे वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छी सी हेल्प मिल जाएगी कि आगे की हमें यात्रा कैसे तय करना है, यानी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो होती है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली फेस कैसे करना है, यानी कहने का अर्थ है कि हर प्रकार से हम कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार हो। तो आपके पास लगभग 4 साल है, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो IAS को। तो अगर जिन जिन लोगों का ये टारगेट है वो इस पर फोकस कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने वीडियो पर। ये दोस्तों आपके सामने एक स्लाइड निकल के आती है, मार्क्स वर्सेस रैंक, ये एक्सपेक्टेड है ऑलरेडी मैं कह दूं। और इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक लिस्ट में अपन देखेंगे किस प्रकार से अपना जो आपका मार्क्स का जो बैंडविड्थ है उसके बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो आपकी रैंक की बैंडविड्थ क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगर अपन देखें कि JEE मेन स्कोर और JEE मेन रैंक लिस्ट, ठीक है, तो अगर 336 से 360 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, यानी ये टॉपर की कैटेगरी होती है, तो इसमें 1 से 20 तक ऑल इंडिया रैंक आपकी आ सकती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके आसपास होगा। और उसके बाद अगर 310 से लगाकर 335 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो 21 से 255 के बीच में आपकी रैंक फ्लक्चुएट कर सकती है, अगर आपके मार्क्स इस बैंडविड्थ में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर अपन अगली बात देखते हैं कि 251 से लगाकर 300 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 256 से लगाकर 1492-93 तक फ्लक्चुएट हो सकती है, ये एक अनुमान है। उसके बाद 201 से अगर 250 तक आपके मार्क्स वेरी कर रहे हैं, तो आपको 1493 से लगाकर 5752 तक आपकी रैंक फ्लक्चुएट कर सकती है, इनके बीच में आ सकती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपकी मार्क्स 151 से लगाकर 200 तक अगर आ रहे हैं, तो आपकी रैंक जो है 5753 से लगाकर 18337 तक फ्लक्चुएट कर सकती है। सिमिलरली आपके सामने एक और स्लाइड निकल कर आती है, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार अगर आपका मार्क्स 151, ये तो अपन बात कर चुके हैं, मतलब दूसरी बार है तो कोई बात नहीं, 151 से लगाकर 200 के बीच तो अगर आपका ये रहे, फिर अगर आपके मार्क्स 101 से लगाकर 150 तक अगर आ रहे हैं, एनीवे 101 से लगाकर 150 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो 18378 से लगाकर 57131 तक आपकी रैंक फ्लक्चुएट कर सकती है, अगर ये बैंडविड्थ रही तो। ठीक है, फिर अपन चलते हैं कि 51 से लगाकर अगर 100 तक के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, यानी 51 से लगाकर 100 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी रैंक इनके बीच फ्लक्चुएट कर सकते हैं। 57132 से लगाकर 240,000 तक आप इस अपनी रैंक को वेरी करते हुए देख सकते हो। ठीक है, इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल करने वाले हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, या कहीं जिनका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा होता है, तो ये जो कैटेगरी है 50 से 100 वाली बीच वाली कैटेगरी है, इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स फाल करते हैं। जो एवरेज होते हैं उनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उनको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है, वो कैसे करना है, और इसके वीडियो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो एनीवे उसके बाद आपके पास आता है 1 से लगाकर 50 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी रैंक 240,542 से लगाकर 984,170 तक
वेरी कर सकती है। और जो फाइनल एक और बैंडविड्थ है कि -40 से जीरो तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी रैंक 9,84,000 प्लस और भी कुछ, मतलब इससे ऊपर ही आपकी जाएगी। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो PWT कैंडिडेट होते हैं उनकी माइनस में भी मार्क्स थे, तो -35 थे, तो ये -40 तक हमने इस बात को सोचा है। तो ये एक एक्सपेक्टेड चर्चा थी आपके साथ, एक एक्सपेक्टेड वेरिएशन था मार्क्स को लेकर। तो अगर ये वीडियो, और आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, आप इसमें कमेंट करके मुझसे शेयर कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगेन रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।